राणा साहब को कहें आप अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को नहीं बचा सके तो अब आप क्या लाएंगे? ये अब आप रात को ख्वाब देखा करें, नींद की गोली लेके सोया करें और अच्छे अच्छे ख्वाब देखने की कोशिश करें और पंजाब जाने को अवॉइड करें। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता है पंजाब गवर्नमेंट के पास और आपके पास भी, उसके बाद तो आप लोग अवॉइड करें। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता है पंजाब गवर्नमेंट के पास और आपके पास भी, उसके बाद तो आप लोग जाएंगे। फजलुर रहमान साहब, राणा सनाउल्ला साहब को मैं समझता हूँ कि इमरान इस्माइल साहब से गुजारिश करूँगा कि कोई अच्छा साइकाइट्रिस्ट जो है उनको भेजें और सुकून की जो गोलियाँ हैं वो भेजें। मौलाना फजलुर रहमान तो खैर माशाल्लाह उनके पास तो सुकून वाली काफ़ी चीज़ें हैं। राणा साहब को जो बाकी मामला है राणा साहब के, अब उस पर क्या कमेंट करें। मेरा ख्याल है वो जो उनका धंधा था चल रहा था उसी धंधे में लगें और अब कोशिश करें इस तरह के कमेंट्स ना करें। वो बहुत ही बहुत हमने इस्तीफे दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फवाद, पीटीए रहनुमा फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि बिलावल और शहबाज शरीफ अदलिया के खिलाफ मुहिम में लगे हुए हैं। अवाम ने इस साजिश को मुस्तरद कर दिया। आलमी पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने हलीम आदिल को फौरी रिहा करने का मुतालबा भी किया है। फवाद चौधरी ने कहा कि बारिशों के बाद पूरे मुल्क में तबाही पर विफाक खामोश क्यों है। इस वक्त फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जान बूझ के नवाज शरीफ के जो चमचे कड़छे हैं वो ये बहाना बनाते हैं कि ये हमेशा नून लीग में रहा। एक भाई प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होएगा, एक काम ये करेगा दूसरा वो करेगा, अंदर से पूरे ये एक हैं। सबसे पहले मुलाकातें शहबाज शरीफ ने तो नहीं शुरू की थी, हुकूमत अंदर से पूरे ये एक हैं। सबसे पहले मुलाकातें नवाज शरीफ ने शुरू की थी। नवाज शरीफ को जो यकीन दहानी कराई गई थी कि नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी और हुकूमत चेंज होगी, वो शहबाज शरीफ को तो नहीं कराई गई थी, वो नवाज शरीफ को कराई गई थी। सो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जो आप शहबाज शरीफ के खिलाफ ये महाज बनाना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम तो अलहदा थे, ये तो शहबाज शरीफ ने किया है। मैं नॉट एज अ पी टी आई, ये तो उनका अपना इंटरनल है, लेकिन एज अ पोलिटिकल ऑब्जर्वर ये गेम नहीं चलनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पूरी तरह इस गेम में, ये हुकूमत आने में, ये सब कुछ उन्होंने खुद मिलके किया। सर ये बताइएगा, सर ये बताइएगा कि कल इमरान खान, दो चीज़ें हैं सर, इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में मुतालबा किया, न सिर्फ सर पहले वो चीज़ इलेक्शन कमीशन की बात करते थे, कल उन्होंने पूरे इलेक्शन कमीशन को तब्दील करने की बात की। सर इसको तब्दीली का एक बाकायदा प्रोसेस है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। ये प्रोसेस कैसे होगा, आप गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, इस पर कोई आपकी मुशावरत हुई है? नहीं सर, इमरान इस्माइल साहब ने सर 2018 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने बाकायदा इसी तरह बड़े अज़्म का इजहार किया था कि पीटीआई कराची और सिंध में पीपल्स पार्टी को डेट देगी। आज 4 साल बाद क्या ये समझते हैं कि पीटीआई अकेली पीपल्स पार्टी का इक्तदार खत्म कर? देखिए अर्बन सेंटर्स में वोट लिए, सखर तक हमने सीटें जीती और जो कुछ इलेक्शन में हुआ वहाँ सिंध में विक्रमा बेनजीर भुट्टो के इंतकाल के बाद इलेक्शन से ज़्यादा वोट इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने लिए, तो इन्होंने दबा के धांधली की थी और हम शायद उस धांधली को रोकने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज मैं आपसे ये दावा कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब सिंध के चप्पे चप्पे में जाएंगे। सिंध इंतज़ार कर रहा है इमरान खान का, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा सिंध के लोग इंतज़ार करें कि इमरान खान वहाँ आए और तब्दीली वहाँ पर हो। अब ये बात बिल्कुल लाजमी और मंजूम हो गई है कि खान साहब अब सिंध में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे और ये जरदारी माफिया को चैलेंज करेंगे और जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली नहीं, वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान की जो ये काम करने का जज्बा और हिम्मत रखती है और कैपेसिटी भी रखती है। दूसरा जी बिल्कुल उमर, ये हमने जिस तरह खान साहब ने क्लैरिफाई किया है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, एहतसाब के ऊपर।